हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ललन टॉप क्रिएशन। आज हम देखेंगे हाउ टू राइट फास्ट इन एग्ज़ाम। यानी कि आजकल जो है एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम सीज़न इज गोइंग ऑन। हर जगह एग्ज़ाम चल रहा है, चाहे वो इंट्रांस को लेकर हो या कुछ भी हो। तो इंट्रांस में खैर रिटेन तो नहीं होते, लेकिन जो आपके सेमेस्टर फाइनल कोर्सेज हैं उनमें रिटेन एग्ज़ाम यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव। चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम में ईजली कर्सिव राइटिंग में आप अपना आंसर देंगे। तो आप देखते चलिए कितने फास्ट में आप लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, और वो भी कर्सिव राइटिंग में, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। देखिए यहाँ पे कंटेंट में मत जाइएगा, कंटेंट क्या लिखा जा रहा है, बस आप ये देखिए कि कैसे लिखा जा रहा है इन कर्सिव। ओके, आप कितने फास्ट से लिख सकते हैं। एक और बात, आप जब क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, तो उसमें जो होता है हेडिंग और डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप वहाँ पे हेडिंग और डायग्राम आप दे सकते हैं। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम ही चल रहे हैं, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप वहाँ जितने ही डायग्राम हेडिंग देंगे आपका मार्क्स उतना ही अच्छा इंक्रीज करेगा। तो हैंडराइटिंग के साथ साथ आपका स्मार्ट चार्ट भी होना ज़रूरी है। देखिए थोड़ा आप बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम में जो है थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए, और दो वर्ड के बीच, और थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं। ओके, आप जितना ही अट्रैक्टिव लिखेंगे उतना ही आपका आंसर सीट जो होगा अच्छा दिखेगा, और टीचर जो है अच्छा मार्क्स देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ललन टफ आइडिया मिलता रहे। थैंक यू।